हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, कल जो हमने क्या पढ़ा था, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हमने क्या देखे थे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालती है एट एनी पॉइंट के ऊपर। आज भी जो हम उसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कि जो हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास में अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसके कारण आपकी उसकी एक्सिस यानी बीच में कोई एक पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालती है जहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण चार्ज वायर है, इसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 4πε0r। यानी आपने यहाँ क्या देखा कि भाई जब आपके पास में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा, चार्ज वायर होगा, तो उसके पॉइंट यानी उसके किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पॉइंट यहाँ रखा होता बिल्कुल उसके मिड में, तो यहाँ पे यह डिस्टेंस आपके पास आ रही थी, चार्ज थी, तो उसके कारण आपने देखा था एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ से लिया था, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ से लिया था, ये एंगल थीटा बना रहा था, ये भी थीटा बना रहा था, तो आपके पास में यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट के कारण जो है दो कंपोनेंट्स आए थे, रिजोल्व किया था तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, नेट फील्ड हमें मिलता है एक्स एक्सिस के अंदर मिलता है। और यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला था, हमारे पास में वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू 2πε0r। अब देखिए हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, सेम वही है कि आपके पास में इनफाइनाइट की जगह कैसी है, अगर एक रोड है, वायर है, अगर वो कैसा है, फाइनाइट चार्ज है, ठीक है, तो वहां पे उसके कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे मिड में ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर यानी फाइनाइट रोड है, फाइनाइट रोड होगी, तो यहाँ पे इसके इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। बेटा आपको ये डिस्टेंस जो है ये क्या दे रखी है, मान लो आर नॉट दी हुई है रोड से, तो हमें क्या निकालना है, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। जब इसके लीनियर फाइनाइट रोड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके लिए सिमिलर हमारे पास वही प्रोसीजर होगा कि इस पी पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या लेंगे, इसका एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे, इस स्मॉल सेगमेंट के कारण जो है चार्ज कितना है इसका डी क्यू, इसकी डी लेंथ क्या है डीएल, जब इस पूरे की लेंथ क्या है एल, फाइनाइट लेंथ है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ये एंगल क्या बनाएगा इसके साथ थीटा, ये आपके पास में स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा डी, तो यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी क्या बनाएगा आपके पास में थीटा, ये कंपोनेंट क्या आएगा इसका ई एक्स, जो किसके इक्वल आएगा डी ई कोस ऑफ थीटा, आपने देखा है इसको रिजोल्व कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या आएगा इसका ई वाई, और ई वाई किसके इक्वल आएगा डी ई साइन ऑफ थीटा, तो ये नेट निकालेगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए कि भाई आपके पास में नेट जो इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे, तो नेट जो फील्ड आएगा इस भी पॉइंट के ऊपर, आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हम यहाँ पे देखेंगे ई एक्स स्क्वायर प्लस में ई वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ रही है ई एक्स और ई वाई की, तो सबसे पहले हम ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ई एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास में ई एक्स की वैल्यू जो आ रही है डी ई कोस थीटा आ रही है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमने पीछे लिया था भाई डी ई की वैल्यू जो आएगी, ये डिस्टेंस जो आएगी डी ई वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आर नॉट, और ये क्या है आपके पास में एल, ठीक है, तो यहां से हम क्या लेंगे इस डिस्टेंस को आपके पास में, भाई आपके पास में डिस्टेंस जो है ये एल बाई टू लेंगे बल्कि आप यहाँ से, ठीक है, आपने ये मान लो ये फाइनाइट लेंथ है, तो इसके लिए आपने ये टोटल लेंथ एल थी, तो इसको एल बाई टू ले सकते हैं, या फिर आप एक बार ये करिए कि यहाँ से आपके पास मिड से ये एल है, फाइनाइट लेंथ है, ये एंगल माइनस थीटा वन से ये प्लस थीटा वन, थीटा है ये थीटा वन से थीटा टू, ठीक है, तो यहाँ से इसके एंगल्स हैं, जो आपके पास फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो आपके पास में लोअर एंगल जो है माइनस थीटा वन, अपर एंड हमने थीटा टू, यहाँ से ये लेंथ जो हमने एल ले ली, स्मॉल सेगमेंट की लेंथ क्या होगी डीएल होगी, ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस आएगी ये आर नॉट स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का रूट आ जाएगा, तो आपके पास स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या आ जाएगा के ड्यू क्यू अपॉन में, इसको हमने आर मान लिया तो आर का स्क्वेयर, डायरेक्शन अभी जा रही है, ठीक है, अब हमें डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, डी क्यू कैसे निकालेंगे, डी क्यू लैम्डा जो है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, तो आपके पास में डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल आ गई, ठीक है, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ गया के लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर। अब बेटा हमें एक्स एक्सिस में निकालना है, तो एक्स एक्सिस में स्मॉल के कारण आपके पास जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, स्मॉल ही आएगी, तो इसको हमने डी एक्स ले लिया, ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्मॉल कंपोनेंट आ रहा है जो कि इसको इक्वल आ रहा है डी ई एक्स, तो इसको हमने क्या ले लेंगे आपके पास में के लैम्डा डी एल, और डी ई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है डी ई कोस थीटा, तो पहले आप डी ई की वैल्यू रखो, क्या आएगा आपके पास में आर स्क्वायर
और यहां से आपके पास में कोस थीटा, ठीक है। इंटीग्रेट करें इसको माइनस थीटा से थीटा, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी इंटीग्रेट, तो ये क्या वैल्यू देगा, ई एक्स, और ये ई एक्स की वैल्यू के लैम्डा बाहर निकालो। अब सबसे पहले देखो हमें डीएल चाहिए, कैसे निकालेंगे इस डीएल की वैल्यू को। इसको निकालने के लिए आपके पास ये ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल से आप क्या ले लो, टेन थीटा की वैल्यू ले लो। तो टेन थीटा क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है एल और बेस क्या है आर नोट। तो आपके पास में एल इज इक्वल टू आर नोट टेन थीटा, तो ये बेटा क्या आ गया, डीएल करेंगे तो आर नोट सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है। और जब आप इसके लिमिट्स वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे लिमिट्स वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज जाती है, अभी थीटा के फॉर्म में ले रखी हमने इसको पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए आपके पास में मैं डायग्राम मिटा रही हूँ, हम सबसे पहले ये ई एक्स वाला कंपोनेंट निकालेंगे, फिर ई वाई निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, एक ही पॉइंट के ऊपर दो फील्ड की अलग अलग डायरेक्शंस नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ये इसका नेट रिजल्ट हमें दे देगा। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, के लैम्डा अपॉन में डीएल अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, आर अभी हमने पढ़ा था, आपके पास ये जो ट्राइंगल थी ये इस तरह से बन रही थी, ये हमने रोड थी, ये आपके पास में आर नोट डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस ले रखती है, इस पॉइंट के ऊपर हमने निकाला था, तो ये डिस्टेंस आर हमने इसको माना था, और ये क्या आया था आर नोट स्क्वेयर प्लस में एल स्क्वेयर का रूट लिया था। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास में डीएल कोस ऑफ थीटा है ये, तो आपके पास के लैम्डा ये माइनस थीटा वन से थीटा टू, और ये क्या आ गया बेटा, डीएल की वैल्यू रखो आर नोट सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा अपॉन में, ये स्क्वेयर का स्क्वेयर से हट जाएगा, क्या आएगा आर नोट स्क्वेयर, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आर नोट स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और साथ में आपके पास में क्या था, कोस थीटा और आ रहा था यहां से, ठीक है। तो आपके पास में ये कोस थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, यहां से मैं इसको मिटा रही हूं, अभी ई एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, के लैम्डा आर नोट बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया माइनस थीटा वन से थीटा टू, माइनस थीटा वन से थीटा टू, और ये बेटा सीकेंट स्क्वेयर थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन में आर नोट स्क्वेयर वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, क्या हो गया सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास में ये वैल्यू क्या हो गई, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा आर नोट, आर नोट से देखो इसे आप बाहर निकालोगे तो आपके पास में ये आर नोट स्क्वेयर था, ये क्या बच गया माइनस थीटा वन से थीटा टू, और ये कोस थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू एक से कैंसिल होगी, क्या आ गया के लैम्डा, के की जगह क्या लिख सकते हैं फोर पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट, और इसका आप इंटीग्रेट, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा की लिमिट वैल्यू रख दो, क्या आएगा माइनस थीटा वन से थीटा टू, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट साइन थीटा टू प्लस में साइन थीटा वन, आपके पास में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है भाई, आपके पास में ई एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, किसकी वैल्यू आई है ई एक्स। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे ई वाई निकालेंगे, सिमिलर सेम रिजल्ट आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में उसके अंदर सिमिलर, मैं डेरिवेशन लिख रही हूँ यहाँ पे कि ई वाई की वैल्यू जो आएगी सिमिलरली ई वाई इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा आपके पास में वही सेम रिजल्ट आएगा के लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वेयर कोस थीटा की जगह साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस थीटा वन से थीटा टू है ये भी, के लैम्डा डीएल की वैल्यू पुट करोगे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आर नोट स्क्वेयर कॉमन आ गया यहाँ से, और आपके पास में यहाँ ऊपर आर नोट भी था बेटा, ये वैल्यू थे ना आपके पास में, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में ये आएगा आर नोट सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा साइन थीटा अपॉन में आर नोट स्क्वेयर इंटू में वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो आपके पास में आर नोट से आर नोट कैंसिल के लैम्डा अपॉन में आर नोट, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया माइनस थीटा वन से थीटा टू, और ये साइन थीटा डी थीटा,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस के लैम्डा आर नोट कोस थीटा माइनस थीटा वन से थीटा टू, तो ये आपके पास ई वाई की वैल्यू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट, और बेटा ये कोस थीटा, ये माइनस माइनस का क्या, कोस थीटा टू माइनस प्लस कोस थीटा वन आएगा, ठीक है। तो आपके पास में इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास में ये क्या वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास में इसकी वैल्यू जो आएगी वो कोस थीटा वन, क्योंकि आपके पास में ये जो लिमिट वैल्यू हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लैम्डा अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ये ई वाई की वैल्यू आ गई और वो ई एक्स की वैल्यू आ गई और उन दोनों का नेट रिजल्टेंट हमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आपके पास में, अगर ये क्या है फाइनाइट एंड है, देखो ये तो मैंने फाइनाइट एंड के कारण क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपसे पूछे, देखिए इसी केस पे हम बात कर रहे हैं, हमने ई एक्स और ई वाई निकाला, ई एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है लैम्डा अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आ रहा है, और ई वाई की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में क्या आ रही है लैम्डा अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस ऑफ थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ, थोड़े से लेंदी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे आपको समझ में आएंगे बेटा, ये स्पेशल केस है। आपके पास जो हमने पीछे पढ़ा था बुक में आपको ओनली क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट, ये हमारे पास में एक्स्ट्रा है कि अगर आपके पास में रोड कैसे दे दे, फाइनाइट दे दे, और फाइनाइट के कारण जो है फाइनाइट रोड होने की वजह से आपके पास में किसी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पूछता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। हमने क्या किया, दोनों तरह से देखा भाई, उस स्मॉल एलिमेंट के कारण, यानी हमने एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसिडर किया और उस स्मॉल चार्ज एलिमेंट के कारण हमने उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, और वहां पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास में दो कंपोनेंट्स आ रहे थे बच्चों, ठीक है। एक कंपोनेंट आ रहा था एक्स एक्सिस में, दूसरा कंपोनेंट आ रहा था वाई एक्सिस में, जहां पे एक्स एक्सिस में हमारे पास रिजल्ट आया है लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और ये आ रहा है बेटा कोस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आपके पास फाइनाइट रोड के ऊपर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या आ रहा है लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस लगा रही हूँ, अगर हमें क्या निकालना है कि अगर आपके पास में वो पॉइंट अगर वायर के एक एंड के ऊपर लाई करे तो उस केस में आपके पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट इज लाइज एट वन एंड ऑफ वायर या रोड, वायर या रोड के एक एंड के ऊपर जब आपके पास में क्या कर रहा है ये पॉइंट लाई कर रहा है, मान लो आपके पास में ये रोड थी या वायर था और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट यहाँ है एक एंड के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे थीटा, आपके पास में क्या हो जाएगा जो है एक के लिए जो है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ जो बताएंगे, अगर आपके पास ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो थीटा वन जो है जीरो और थीटा टू जो है पाई बाई टू के इक्वल, तो आपके पास में यहाँ पे हम कंडीशंस रख देंगे तो आपके पास में ई एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट साइन थीटा की वैल्यू जीरो प्लस साइन थीटा टू पाई बाई टू, तो क्या आ गया ये लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट आ गया। इसी तरह से ई वाई लेंगे तो आपके पास में क्या आ गया लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट कोस ऑफ थीटा वन की जगह क्या ले लेंगे जीरो माइनस कोस नाइन्टी, कोस नाइन्टी जीरो होता है और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब इस पॉइंट के ऊपर आपके पास भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस में कंपोनेंट इधर आया और वाई एक्सिस में इधर आया, अब एक ही पॉइंट के ऊपर फील्ड की दो वैल्यू एड नहीं हो सकती तो इसका नेट रिजल्टेंट हम इधर निकाल लेंगे, एंगल दोनों के बीच में क्या आ रहा है नाइन्टी डिग्री, तो यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आ जाएगी ई एक्स स्क्वेयर प्लस में ई वाई का स्क्वेयर, और यहाँ पे आपने देखा दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो आपके पास में ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी लैम्डा अपॉन यानी इसका स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट टू लैम्डा लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये हमारे पास में पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखिए कल मैंने एक कॉन्सेप्ट और करवाया था हमारे पास में। देखिए क्या था कि आपके पास में कोई भी एक चार्ज रिंग थी, उस चार्ज रिंग को अगर हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस कर रहे हैं, तो उस रिंग की एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया था और उस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल थी, जहां पे हमारे पास में एक्सिस यानी रिंग की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये आई थी, एक्सिस के ऊपर आया था। ठीक है, यहाँ पे हमने दो कंडीशंस, तीन कंडीशंस लिए थे। पहला केस मैंने लिया था, अगर एक्स क्या हो जाए, यहाँ जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिंग के इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस लिया था कि अगर ये पॉइंट जो है, जो एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा था, अगर वो पॉइंट जो है बेटा कहाँ लाई करे, जो है एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है, तो हम क्या बताते हैं भाई, ए जो है रेडियस जो है रिंग की क्या हो जाएगी, उतना ही स्मॉलर हो जाती है। और उस केस में हम क्या कर देते हैं, इस ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे पास में वैल्यू जो आती है, जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की इक्वल आती है, उसी के इक्वल आई थी, यानी क्या आया था, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर के इक्वल आया था। थर्ड कंडीशंस मैंने निकाली थी फिर कि अगर आपको जो है यानी कि एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो कैसे करेंगे, तो इसको हमने क्या किया था, मैंने कंडीशंस लगाई थी dy/dx क्या कर दो जीरो, तो हमने क्या किया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था और वहां से हमारे पास पोजिशन आई थी प्लस माइनस ए बाई रूट टू, ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अभी हमने जो है ये वैल्यू निकाल तो दी पोजिशन और हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया था, लेकिन हमें ये नहीं निकाला कि भाई वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें क्या करना है, जो आपने एक्स निकाला है ये, इस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कहाँ पे, रिंग की एक्सिस के ऊपर, तो क्यू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की जगह वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा, मान लो मैं प्लस माइनस ए ले रही हूँ, ये ए बाई रूट टू ले रही हूँ, प्लस में इसका क्या हो रहा है, स्क्वेयर हो रहा है, प्लस माइनस का ही फॉर्म में ये, और प्लस में ए स्क्वेयर इसकी पावर 3/2। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू एक्स या एक्स की जगह भी रखेंगे क्यू, आपके पास प्लस माइनस ए बाई रूट टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर बाई टू प्लस ए स्क्वेयर इसकी पावर 3/2। तो ई मैक्सिमम जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू ए अपॉन रूट टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वेयर यानी 3a स्क्वेयर अपॉन 2 इसकी पावर 3/2। ठीक है, तो आपके पास नई वैल्यू जो है इसका आप करेंगे क्यू ए अपॉन रूट टू, टू ऊपर चला गया ये, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 की पावर 3/2 a की पावर स्क्वेयर इंटू 3/2, इसे ही कैंसिल और यहाँ पे 3/2 यहाँ पे भी था बेटा। ठीक है, तो आपके पास में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2 अपॉन में क्यू ए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 ए की पावर क्यू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या आ गया 2/2, यानी कि आपके पास में कितना बचा ये, एलसीएम लेंगे 3-1 यानी 2 ही बचा ये। ठीक है, आपके पास में 2 ऊपर बचा, 2 ही नीचे बचा, और ये q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 की पावर 3/2 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1, तो आपके पास में वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, यानी कि q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 की पावर 3/2 a स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, तो यानी ये हम क्या निकालते हैं, रिंग की एक्सिस के ऊपर अगर मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू पूछता है, उस केस में हमारे पास में इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आ गई, इसका आप रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं। तो आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू जो दिखा रखी है उसको क्या दिखा रखा है, देखिए वैल्यू जो है ये दिखा रखी बुक में, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा ये 2 क्यू अपॉन 3√3 और यहाँ साथ में दिखा रखा है ए स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास मैक्सिमम, तो इस रिजल्ट को आप याद रखना। ठीक है, तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा, इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं ना, आपके पास ये 2 तो आ ही रहा था, इसको 4 पाई एप्सिलॉन 2 क्यू आ रहा था, 3 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3√3 की पावर 3/2 को हम √3 और इसकी पावर ये 3, क्यूब रूट है ना ये इसका, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे, रिंग की एक्सिस के ऊपर। तो ये याद रखना, कल टाइम नहीं था इस वजह से हमने कल नहीं करवाया था, तो इसके लिए जो आप ये याद कर लेना कि रिंग की एक्सिस के ऊपर अगर मैक्सिमम फील्ड पूछता तो वहाँ वैल्यू क्या आएगी हमारे पास।
कल मैंने क्वेश्चंस करवाया था उसको मैंने अलग तरह से करवाया था, अभी जो है इसका एक मेथड से हम और कर सकते हैं जो आपके लिए इजी है। सिमिलर उसी तरह से मैंने कल फाई एंगल बताया था, अगर फाई एंगल दिया होता है तो हम कैसे करते हैं, अगर आपके पास में उस रिंग की लेंथ दे रखी है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, इस सेमी सर्कल के सेंटर पे। तो आपके पास ये क्या है, एक सेमी सर्कल है भाई, और इस सेमी सर्कल के सेंटर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जब आपके पास में इस सेमी सर्कुलर की जो एक्सिस है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखी है, क्या है लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, किसके ऊपर दिया हुआ है, ये आपके पास में एक सेमी सर्कल है और उस सेमी सर्कल की एक्सिस के यानी इसके सरफेस के ऊपर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज जो है क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। तो देखो बेटा, हमने क्या बताया था, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि हम एक साथ पूरी रिंग के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। तो मान लो हमने क्या किया है, एक स्मॉल एलिमेंट जो है ये इसमें से क्या किया है, कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये एलिमेंट हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, ठीक है, जिसका चार्ज के जो है क्या है dq, और इसकी टोटल लेंथ l थी तो उसमें से हमने एक स्मॉल लेंथ dl लिया है, जहां पे स्मॉल सेगमेंट ने जो एंगल बनाया है इस एक्सिस के साथ में एंगल क्या बनाया है, थीटा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो देखो स्मॉल सेगमेंट चार्ज कैसा पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी भाई, आउटवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। अब देखो ये एंगल थीटा बना रहा, तो यहाँ इसके साथ इसने एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आएगा DE cos of theta और दूसरा कंपोनेंट आएगा DE sin of theta, ठीक है। यहाँ मैंने जैसे माना है सिमिलर ऐसे आप इधर से मानेंगे तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा तो इसका भी क्या आएगा, इधर से एंगल थीटा आएगा तो क्या आएगा, DE cos theta, दूसरा DE sin theta, तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, नेट यानी फील्ड जो मिलेगा वो हमें किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके कारण जो है यानी इसके सेंटर के ऊपर हमें नेट फील्ड जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड होगा, और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, DE डैश, मान लो टोटल फील्ड जो है DE है वो किसके इक्वल आ रहा है, DE साइन ऑफ थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई, तो ये इसको हमने जीरो टू पाई। अब देखो इस DE की वैल्यू मेरे पास आएगी क्या, उसके लिए हम निकालेंगे DE जो है हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस जो है रेडियस इसके आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके पास में DE है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अब DQ तो नहीं दिया हुआ, DQ आपके पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखे लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाय DL, और बेटा आपके पास में DQ किसके इक्वल आ गया, लैम्डा DL के इक्वल आ गया, ठीक है। अब DL कैसे निकालेंगे, जब यहाँ ये एंगल क्या बना रहा है, स्मॉल एंगल बना रहा है, तो आपने क्या पढ़ा है, आपने एंगल पढ़ा है डी थीटा जो है वो आपके पास में, यानी थीटा जो है क्या होता है, आर्क ऑफ द लेंथ थ्रू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आपके पास में क्या आएगा, डीएल बाई आर आएगा ये, ठीक है। और एंगल क्या होगा, स्मॉल, यहाँ पे एंगल जो है वो कैसा एंगल बन रहा है, स्मॉल एंगल बन रहा है इसके साथ में, स्मॉल एलिमेंट के साथ में। तो हम क्या लेंगे, ये फॉर्मूला जो अपना एंगल का अप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ द आर कितनी है, डीएल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपके पास में सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, आर है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, डीई डैश ओ पॉइंट के ऊपर है ये जीरो टू पाई, और डीई की वैल्यू के डी क्यू की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब डीएल की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में डीई ओ पॉइंट के ऊपर है ये, ठीक है, आप डैश रहने दो, ओ ले लो ओ पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा के लैम्डा डीएल की जगह बेटा आप क्या रख देंगे, आपके पास में ये वैल्यू जो आएगी डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, तो यहाँ पे आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा इंटीग्रेट जीरो टू पाई। तो आपके पास में आर से आर कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, मैं इसको मिटा रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको ये लिख देती हूँ डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी तो इंटीग्रेट करेंगे,
तो क्या आ जाएगा, ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, के, के की जगह 1/4 πε0r, और आपके पास लैम्डा भी बाहर आ गया, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ऑफ थीटा, लिमिट्स जो है 0 से π। मेरे पास में क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 4 πε0r, ये माइनस एज इट इज ले लो आपके पास में, या फिर इसको रहने दो माइनस कोस ऑफ पाई माइनस कोस ऑफ 0। कोस पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है आपके पास में, माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में देखो ये वैल्यू जो है, आप जब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में वैल्यू जो है, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। तो आपके पास में क्या आ गया, लैम्डा अपॉन में 2 λ/4 πε0r, 2 से 2 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास में सेमी सर्कल के कारण जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास सेंटर के ऊपर, रिंग के सेंटर के ऊपर E0 λ/2 πε0r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्वार्टर रिंग के कारण निकाल सकते हैं, क्वार्टर का भी देख लीजिए, पर मैं सिंपल सा बता देती हूँ, आप खुद करके देखना। तो देखिए क्या है क्वार्टर रिंग, अगर आपके पास क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब रिंग का जो है आपके पास में 1/4 हिस्सा दिया हुआ है, तो उसके कारण हम क्या, हमने कल वाला मेथड भी किया था, आप उससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक क्वार्टर रिंग है, ये क्वार्टर रिंग है, कैसी है ये, चार्ज, और वही इसके सेंटर पे निकालना है। तो इसके लिए आप क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, इसकी लेंथ कितनी है डीएल, इसने एंगल क्या बनाया थीटा। तो यहाँ आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक कंपोनेंट मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल में डीई कोस ऑफ थीटा, और दूसरा मिलेगा डीई साइन ऑफ थीटा, और आप इन दोनों के अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/2, ठीक है ना। तो आपके पास डी की वैल्यू वही आ जाएगी सेम, ओ पॉइंट के ऊपर डीई जो आएगा वो किसके, दोनों सेम आएंगे बेटा, ये डीई की वैल्यू जो है क्या आएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक बार डीई यानी एक्स एक्सिस में रखेंगे तो डीई कोस ऑफ थीटा और 0 to π/2, और ऐसे यहाँ पे ई वाई का इंटीग्रेट करेंगे और वो क्या आएगा 0 to π/2 डीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू भी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है डी क्यू बाई डी एल दिया हुआ है, ठीक है। डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल, और डी एल अभी हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ द आर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो डी एल क्या हो जाएगा आर डी थीटा। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास नहीं के डी क्यू की वैल्यू जो है लैम्डा, और डी एल की जगह आर डी थीटा कोस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट 0 to π/2, सिमिलर हम इसको कर देंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों का एक ही पॉइंट के ऊपर फील्ड के दो अलग अलग से, इन दोनों का आप नेट निकालने के लिए क्या कर देंगे, ई एक्स स्क्वायर प्लस में ई वाई स्क्वायर, उससे हम वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से ई एक्स आ जाएगा यहाँ से ई वाई आ जाएगा, और उस दोनों का नेट रिजल्टेंट ले लेंगे। तो ये हमारा क्वार्टर रिंग के कारण आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है, देखो अब तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने देखो पीछे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक किया था, कौन सा, हमारे पास में चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है, डिस्टेंस के। जैसे जैसे आप डिस्टेंस यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। जितना आप चार्ज के कोई भी पार्टिकल चार्ज के जितना नजदीक होगा वहां क्या होगा, फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे क्या होगा, आपका जो है फील्ड वीक होता जाएगा। तो सबसे पहले ही हमारे पास में फील्ड लाइन्स होती क्या है, फील्ड लाइन्स हम क्या बताएंगे, दीज आर द पिक्टोरियल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या है, ये इमेजिनरी फील्ड लाइन्स होती है, ये सिर्फ हम मान के चलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी वो वहां पे किसी भी पॉइंट के ऊपर इस तरह की मिलेगी। तो ये क्या है, ये रियली कभी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हम क्या मानते हैं इनको, ये कैसी है, इमेजिनरी है, कि इनको हम क्या करते हैं, सिर्फ पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इस तरह की जो है फील्ड लाइन्स हमें क्या मिलती है, स्पेस के अंदर मिलती है, 3D के अंदर हमें मिलती है।
तो हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, ये क्या है आपके पास में, ये जो है विजुलाइज करके हम इसको दिखाते हैं, जो हमें क्या देती है कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न जो है क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नेक्स्ट हमें ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं, ये हमें क्या बताता है, जहाँ पे किसी भी रीजन के अंदर कितनी डिस्टेंस के ऊपर आपको जहाँ ज्यादा फील्ड लाइन्स मिलती है आपका फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ आपको फील्ड लाइन्स कम मिलती हैं यानी फील्ड कैसा होगा हमारा, वीक होगा। तो यानी हम क्या बताते हैं, ये जो लाइन्स होती हैं ये क्या करती हैं, दीज लाइन्स मे बी, यानी ये जो लाइन्स होती हैं ये क्या हो सकती हैं, मे बी स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट भी हो सकती है और साथ में कैसी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, यानी मुड़ी हुई हो सकती है। तो आप क्या बताएंगे, ये जो लाइंस होती हैं, दीज लाइंस में भी स्ट्रेट एंड कर्व, ठीक है। तो आपके पास में ये हम क्या बताते हैं, ये रियली जो है क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। हम किसी भी पॉइंट, अगर आपने क्या किया, एट एनी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट जो है आपको उस पॉइंट के ऊपर क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। और ये जो पॉइंट यानी ये जो टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये जो पाथ होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये कैसे हो सकते हैं, मे बी स्ट्रेट एंड कर्व, ठीक है। तो ये हम क्या बताएंगे, ये लाइन ऑफ फोर्सेज जो है स्पेस के अंदर जो है क्या करती है, अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है हमें क्या देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे मान लो आपके पास में ये है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो हमने ये इस पॉइंट पी और क्यू पॉइंट के ऊपर जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ये टेंजेंट्स हमें क्या देते हैं, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देते हैं। तो हम क्या बताएंगे, फील्ड लाइंस होते क्या है, फील्ड लाइंस के अंदर ये हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो सिर्फ हम क्या दिखाने के लिए लेते हैं, यहाँ पे स्पेस के अंदर उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो किस तरह की होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइन। जैसे मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आपके पास में एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए आपके पास फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो देखिए बेटा हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे, ये बीच में कहीं नहीं रुकती हैं, कहाँ टर्मिनेट होंगी, ये स्पेस के अंदर नहीं टर्मिनेट होंगी, कहाँ टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी, ये टर्मिनेट। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन जो है, ये फील्ड लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं, एक पॉजिटिव सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण आपको जो है वो जो फील्ड लाइंस मिलेंगी कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप डिस्टेंस से क्या जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, यहाँ फील्ड क्या है, एक पॉइंट आप क्या लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, तो यहाँ देखेंगे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलता है, फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलता है, यहाँ जो पॉइंट लेंगे आप बी पॉइंट पे, यहाँ पे फील्ड कैसा मिलेगा, वीक मिलेगा। तो यानी हम क्या बताते हैं, जैसे जैसे हम स्पेस के यानी किसी भी पॉइंट चार्ज से हम जैसे जैसे उसे अवे जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, फील्ड लाइन जो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है क्या होती जाती है, कम वीक होती जाती है, यानी ये क्या करती है, इनकी डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या करती है, रेडियली आउटवर्ड, सिमेट्री होती है इनकी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होंगी, ये स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी इनकी, स्फेरिकली सिमेट्री, ठीक है, स्फेरिकली यानी स्फेर के फॉर्म में, आप इस तरह से स्फेरिकल स्फेरिकल सिमेट्री फॉर्म होगी, तो ये क्या करती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट होती हैं। तो हम क्या बताते हैं कि आपकी फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, जैसे जैसे आप फील्ड से इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे, फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। सिमिलर अगर मैं क्या लू, एक नेगेटिव चार्ज लू, तो उस नेगेटिव चार्ज में हम क्या देते हैं, अगर हम इसके अक्रॉस क्या करते हैं, फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो हमें फील्ड लाइन जो मिलती है वो किस तरह से मिलेंगी बेटा, आपको देखेंगे यहाँ पे फील्ड लाइन्स इसके इनवर्ड जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि आपकी जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे ये क्या होती है, हमेशा टर्मिनेट होती है, स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव यानी आउटवर्ड डायरेक्शन है, इसमें क्या कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो ये क्या करेंगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्टेड होगी, इनवर्ड डायरेक्टेड,
ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, इसमें डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो आप क्या बताएंगे कि आपकी जो फील्ड लाइंस जो है ये स्पेस के अंदर जो है क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। ये सिर्फ हम क्या लेते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जो फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं, ये फील्ड लाइन्स क्यों ड्रॉ करते हैं, सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए कि आपके पास भाई उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है। आप ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूरी पे जाके खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी खत्म नहीं होती है, क्या होंगे, कहाँ जाके खत्म होंगी, वो एक नेगेटिव चार्ज पे जाके ही क्या होंगी, वो टर्मिनेट होंगी। और ये क्या हो रही है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो इस वजह से हम क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं बताएंगे, कैसी है कॉन्टिन्यूस में। थर्ड जो है इसका एप्लीकेशन, यानी थर्ड जो पॉइंट हम बताते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं क्लोज लूप, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, क्लोज लूप ये जो है किस कारण से फॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पे चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, स्टेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि जब भी आपके पास में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, स्टेटिक्स के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। और क्लोज लूप के अंदर हम क्या बताते हैं, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अगर यहाँ पार्टिकल मूव करने लग गया तो क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे तो फील्ड लाइन्स पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव टर्मिनेट हो रही है, यानी मूव कर रही है, तो यहाँ पे वर्क डन तो जीरो कभी नहीं होता, तो यानी ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, ये जो है क्या करती हैं कि आपके पास में जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, कंटिन्यूस फॉर्म में मूव कर रही है, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे क्या हो जाती हैं, वो टर्मिनेट हो जाती हैं। तो आपके पास दो लाइट चार्जेज होंगे तो उनके लिए हम फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कैसे इक्वल लाइट चार्ज है, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फील्ड लाइन्स जो है आपके पास में किस तरह से ड्रॉ होंगी, तो यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास में ये जो है कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से, यहाँ पे भी क्या होंगी, पॉजिटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव जाते ही फोर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यानी क्या कर जाएंगे ये लेटरली क्या हो जाती है, ये प्रेशर एग्जर्ट करती है, इस तरह से स्टार्ट हो रही है ये, लेकिन ये लेटरली प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ऐसे जा रही थी और ये भी ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो ये क्या करती है, लेटरली प्रेशर एग्जर्ट करती है, जब ये लाइट चार्ज होगा इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो इस तरह से ये क्या कर जाती है, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है, यानी आउटवर्ड इनकी डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज में हमने देखा था क्या होती है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, तो इनकी डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, आउटवर्ड लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर लेटरली इनवर्ट क्यों हो गई है, लेटरली प्रेशर एग्जर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में चार्ज कैसा है, सेम है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस पे आने के बाद एक दूसरे को रिपेल करती है, रिपेल के कारण फील्ड लाइन्स एक दूसरे की तरफ जाने की बजाय क्या हो जाती है, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में क्या मिलता है, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यानी हम क्या बताएंगे, आपके पास में अगर दो चार्जेस कैसे हैं, लाइट चार्जेस हैं, तो यहाँ पे लाइट चार्जेस के केस में हम क्या बताएंगे कि इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो मिलेगा, यानी न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म होगा। तो क्या बताएंगे, अगर दो लाइट चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, उनके मिड के अंदर लाई करेगा, और ये क्या करती है, लेटरली प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। अगर आपके पास में क्या बोलता है कि अगर आपके पास में दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन एक का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, एक का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे, तो देखिए आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे, आपके पास में ये फील्ड लाइन्स ऐसी हो जाएंगी। अब इनका जो है ये लेटरली प्रेशर एग्जर्ट तो करेंगे, लेटरली प्रेशर,
लेकिन जो न्यूट्रल पॉइंट जो है पहले कहाँ शिफ्ट हो रहा था, ये बीच में हो रहा था, अब ये कहाँ जाएगा, जहां स्मॉलर, जिस चार्ज के पास में मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉलर होगा, उस साइड न्यूट्रल पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, लाइज, न्यूट्रल पॉइंट लाइज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, यानी जिसके पास में क्या होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यानी जिसके पास में बेटा आप क्या बताएंगे, चार्ज की वैल्यू क्या है, यानी कि स्मॉलर है, वहां पे न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये स्मॉलर के पास में शिफ्ट होगा, यहाँ क्यू टू की वैल्यू क्या थी, स्मॉलर थी, तो ये आपके पास में पॉजिटिव या आउटवर्ड डायरेक्शन में भी, तो इस तरह से आपको क्या मिलती है, फील्ड लाइन्स। अभी और भी प्रॉपर्टीज बच रही हैं इसकी, ठीक है, अभी सिर्फ हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी हैं कि आपके पास में अगर क्या है, फील्ड लाइन्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, नेक्स्ट क्या बताता है हमें कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, नेक्स्ट अगर आपके पास दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर क्या है, सेम है, न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में लाई करेगा, नेक्स्ट बता रहे हैं हम अगर आपके पास में दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, किस साइड शिफ्ट होगा, जिस चार्ज के पास में मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉलर होगा, उस साइड क्या हो जाता है, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा।